जहाजपुर में जलजूलनी एकादशी पर हुई घटना का विरोध प्रदर्शन करते हुए विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल ने मुख्यमंत्री के नाम थाना प्रभारी को सौंपा ज्ञापन। इंद्रगढ़ शहर में विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने जहाजपुर में जलजूलनी एकादशी पर हुई घटना का विरोध प्रदर्शन करते हुए इंद्रगढ़ थाना प्रभारी दिनेश शर्मा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। जाजपुर में जलजूलनी एकादशी पर हुई घटना का विरोध करते हुए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल व सर्व हिंदू समाज के कार्यकर्ताओं ने श्री राम चौराहे से विरोध प्रदर्शन रैली निकाली, जो शहर के सदर बाजार, छोटी सब्जी मंडी, बड़ी सब्जी मंडी, कटला दरवाजा होती हुई पुलिस थाने पहुंची, जहां पर थाना प्रभारी दिनेश शर्मा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने बताया कि राजस्थान में कट्टरपंथी मौलानाओं के संरक्षण में इस्लामी जियादियों द्वारा गत दिनों राष्ट्रीय व हिंदू महापर्वों पर निरंतर हिंदू समाज की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाकर उद्देश्य से षड्यंत्र पूर्वक योजनाबद्ध तरीके से संवेदनशील घटनाओं को कारित किया। ज्ञापन के माध्यम से बताया कि बीलवाड़ा के जहाजपुर में जलजूलनी एकादशी के अवसर पर किले से आ रहे पीताम्बर राय महाराज के देव विमान पर मस्जिद से पत्थरबाजी की गई, जिसमें 5 महिलाएं सहित कुछ युवक क्षेत्रीय विधायक को चोटें आई। इसी दिन बीलवाड़ा के सांगानेर व बांसवाड़ा में गणेश पांडालों में पत्थरबाजी करके हमला किया गया। जहाजपुर मस्जिद व मदरसे के मौलवी सदर के सपरिवार सहित अन्य जिहादियों को साथ लेकर मस्जिद से पत्थरबाजी की। इन सभी को गिरफ्तार कर अवैध इस्लामी मजहबी स्थलों को ध्वस्त किया जाए, नहीं तो 12 वफात के इस्लामी जुलूस को हिंदू धार्मिक स्थलों के सामने से नहीं निकलने दिया जाएगा। इस दौरान ज्ञापन देने वालों में प्रखंड सह मंत्री चंचल वैष्णव, विश्व हिंदू परिषद प्रखंड उपाध्यक्ष अनिल सेन, गिरिराज जैन गिरू, विशाल जहांगीर, प्रदीप जैन, कविश जैन, सुनील पंकज, जतिन कहार, कुलदीप सैनी, चंद्र प्रकाश सैनी, यतीश सैनी, जितेंद्र महावर, आकाश गर्ग, गणेश गौतम, दीपक जाकल, प्रेम प्रकाश सेन, नीरज दीक्षित, यक्षप गिरी, मयंक, विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल सहित हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता ज्ञापन देने के दौरान थाना परिसर में मौजूद रहे।